हेलो गाइज, आई एम डी के सोनवाला एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसी फॉर नर्सिंग ऑफिसर में। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक न्यू वैकेंसी के साथ में हैं जो कि पूजा नर्सिंग कॉलेज से है। ये वैकेंसी जो कि अंडर MUHS के हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ आपसे मांगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड जो पोस्ट हैं, वो यहाँ ऑल ओवर जो पोस्ट हैं वो टोटली नर्सिंग से रिलेटेड हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 28 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 28 है वैकेंसी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की यहाँ पोस्ट है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलिटी हो उसकी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। नो क्लासीफाइड फॉर रिजर्वेशन सीट। नेक्स्ट सीट है वो प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल है, वो भी किसी भी सब्जेक्ट में हो स्पेशलिटी, यहाँ भी 1 पोस्ट है और कोई रिजर्वेशन यहाँ दिया नहीं गया है। नेक्स्ट पोस्ट है वो प्रोफेसर की है, वो भी किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिटी हो, बट यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है प्रोफेसर की। एसोसिएटेड प्रोफेसर और रीडर की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्ट्रक्शन नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, किसी के अंदर भी स्पेशलिटी PG किया हुआ हो पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की है। यहाँ ईच 1 पोस्ट है, ईच स्पेशलिटी है हैज़ वन पोस्ट, जैसे मेडिकल सर्जिकल, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन या साइकेट्रिक, यहाँ टोटल ईच है 1 पोस्ट, आप यहाँ देख सकते हो। एंड फाइनली जो लास्ट पोस्ट है वो ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है नर्सिंग, यहाँ पे BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, एनीवन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो ट्यूटर की या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वो 21 पोस्ट हैं। यहाँ क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन अंडर गवर्नमेंट रूल्स, आप यहाँ देख सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिनिमम 1 MSc नर्सिंग फैकल्टी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट स्पेशलिटी इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम। आप ये जो 1 पोस्ट के लिए, मतलब 1 सब्जेक्ट में मांगा हुआ था स्पेशलिटी, वो इनमें किसी एक में हो ये बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो मांगा हुआ है वो इस पोस्ट वाइज यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट पर मास्टर डिग्री इन नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ विद महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है एंड 15 ईयर एक्सपीरियंस होना यहाँ जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, एंड PhD नर्सिंग जो डिजायरेबल मांगा हुआ है उसके अंदर PhD नर्सिंग मांगा हुआ है, 10 ईयर एक्सपीरियंस है PhD वाले से, एंड सम रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल की, तो वही MSc पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट एनी स्पेशलिटी एंड 12 ईयर एक्सपीरियंस महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। PhD वाले के लिए 2 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है, 8 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पर प्रोफेसर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, 10 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा हुआ है, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है PhD के लिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा हुआ है। एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी हुई है, सिर्फ एक्सपीरियंस के अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। MSc के साथ में 8 ईयर का मांगा हुआ है और PhD के साथ में 5 ईयर का मांगा हुआ है। या नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्यूटर की पोस्ट, लास्ट जो अपने काम की जो पोस्ट है वो है MSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग रजिस्टर्ड में महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एंड कॉलेज प्रोग्राम मीन्स 10+2+3 ईयर्स पैटर्न ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स मीन्स GNM ऑफ बेसिक BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग ऑल्सो एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप केयरफुली इनको रीड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।